दोस्तों 15 सितंबर से साउथ अफ्रीका की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है, जहां पर भारत और साउथ अफ्रीका आपस में 6 मैचों की सीरीज खेलने वाले हैं, जिस दौरान 3 T20 और 3 टेस्ट मैच खेले जाने हैं। शुरुआती 3 T20 मैचों के लिए BCCI ने भारतीय टीम का ऐलान काफी पहले कर दिया था, लेकिन आज फाइनली अंतिम 3 टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है, जहाँ पर टीम में हमें बहुत सारे चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिले हैं। इस वीडियो में हम पूरी टीम के पूरे स्क्वाड्स पर पूरी तरह से नजर डालने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और यदि आप चाहते हैं कि इस दौरे पर भारतीय टीम अफ्रीका को बुरी तरह से हराए, तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इजोल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज के शेड्यूल की, तो पहला टेस्ट मुकाबला 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला जाना है। उसके बाद दूसरा टेस्ट मुकाबला 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच पुणे के मैदान पर खेला जाएगा। उसके बाद तीसरा व अंतिम टेस्ट मुकाबला 19 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच रांची के मैदान पर खेला जाना है। तो अब हम बात करते हैं स्क्वाड्स की, तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि BCCI ने इन 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है, जहां पर KL राहुल की पूरी तरह से छुट्टी हुई है, वही शुभमन गिल की टीम में वापसी हुई है। चलिए बात करते हैं पूरे स्क्वाड्स की, तो पहले नंबर पर आते हैं कप्तान विराट कोहली, देन मयंक अग्रवाल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, रिद्धिमान साहा, रविचंद्रन अश्विन, रविंदर जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा और शुभमन गिल। तो कुछ ऐसे यहां पर 15 सदस्यीय टीम, बहुत ही शानदार टीम है, बहुत सारे चौंकाने वाले बदलाव हमें यहां पर इस टीम में देखने को मिले हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ काफी खिलाड़ियों को यहां पर खेलने का मौका नहीं मिला, KL राहुल को टेस्ट टीम से पूरी तरह से यहां पर ड्रॉप कर दिया गया है, और उनकी जगह पर टीम में शुभमन गिल की वापसी हो गई है, क्योंकि इन्होंने पिछले कुछ टाइम में भारत की ए टीम के लिए और साथ ही साथ डोमेस्टिक लीग में बहुत ही जबरदस्त और शानदार परफॉर्मेंस किया, और अपने परफॉर्मेंस के बलबूते पर अब वो भारतीय टेस्ट टीम के साथ पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। अब उनको प्लेइंग 11 में जगह मिल पाती या फिर नहीं, एक बहुत ही बड़ा सवाल, इसके बारे में हम फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेनली हम बात करते तो रोहित शर्मा के बाहर निकलने पर भी काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे थे, हालांकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ इनको खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन रोहित शर्मा इस सीरीज में हमें भारत के लिए ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं, ऐसा BCCI के काफी अधिकारी पहले कंफर्म कर चुके हैं, लेकिन अब कितनी जल्दी ये इंप्लीमेंट में लाते हैं वो देखना अभी बाकी है। जल्दी हो जाएगी टेस्ट सीरीज की शुरुआत, तो भैया मुझे तो बेसब्री से इंतजार है इस टेस्ट सीरीज का, लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी इस टेस्ट सीरीज को, भारत या फिर अफ्रीका, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इजोल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।